गुड आफ्टरनून। बीएससी पार्ट सेकेंड, आपने वाटर तंत्र पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र पढ़ लिया प्रावस्था एक में। अब तीसरा तंत्र है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे हम कहते हैं सल्फर सिस्टम या गंधक तंत्र। गंधक के दो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, एक कहलाता है एक नताश गंधक रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरा कहलाता है विषम लंबाश गंधक SR। ये आपका चित्र है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 त्रिकबिंदु हैं। SR गंधक जो है विषम लंबाश गंधक साधारण तापों पर स्थायी रहती है, जो आप पीले रंग की गंधक देखते हैं वो होती है विषम लंबाश गंधक या रोम्बिक सल्फर। यदि धीरे धीरे एक विषम लंबाश गंधक को गर्म किया जाए तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक नताश गंधक में परिवर्तित हो जाती है, परंतु ये प्रक्रिया बहुत स्लो होनी चाहिए क्योंकि इसमें आणविक पुनर्व्यवस्था होती है संक्रमण में। अगर आप तेज़ी से गर्म करेंगे SR को तो ये SL द्रव सल्फर में परिवर्तित हो जाएगी। तो संक्रमण SR का SM में संक्रमण। तो जब हम SR गंधक को धीमे धीमे बहुत कम ताप पर गर्म करते हैं तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर विषम लंबाश गंधक मोनोक्लिनिक या एक नताश गंधक में परिवर्तित हो जाती है। अतः इन दोनों अपरूपों का संक्रमण ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक नताश गंधक 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्थायी रहती है, जबकि SR गंधक कमरे के ताप पर स्थायी रहती है। यदि हम SR को तेज़ी से गर्म करते हैं तो ये 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है, अतः SR का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नताश गंधक 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, तो मोनोक्लिनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब द्रव गंधक को गर्म किया जाता है तो 444.7 जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है पर उबलती है। तो कहने का अर्थ है कि द्रव गंधक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 444.7 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अतः गंधक तंत्र में 4 प्रावस्थाएँ होती हैं। इस चित्र में 4 प्रावस्थाएँ, पहली है रोम्बिक सल्फर, दूसरी है मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरी है द्रव सल्फर और चौथी है गंधक वाष्प। एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होती है, अतः गंधक की चारों प्रावस्थाएँ एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती। गंधक तंत्र के निम्न लक्षण हैं जो कि प्रमुख हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें 6 वक्र हैं, DA, AB, BE, BC, CF तथा AC। यह सब वक्र एक चर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। वक्रों के बीच के क्षेत्र वक्रों से विभाजित 4 क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रावस्था दर्शाई गई है, अतः ये द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा इसका मुख्य बिंदु यह है कि इस तंत्र में त्रिक बिंदु, इसमें 4 त्रिक बिंदु होते हैं A, B, C और O, जो जिस पे 3 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में रहती हैं और जो अचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको वक्रों के बारे में बता रहे हैं। पहला वक्र है नीचे का DA, यह विषम लंबाश गंधक रोम्बिक सल्फर का ऊर्ध्वापतन वक्र है। इसमें 2 प्रावस्थाएँ अगर आप देखें SR और SV, नीचे वाष्प है ऊपर आपकी रोम्बिक सल्फर है, ये दोनों अवस्थाएं साम्य में रहती हैं। तो प्रावस्थाओं की संख्या 2, घटक की संख्या 1, तो P+F = C+2 में F का मान 1 आता है, अतः ये एक चर तंत्र को प्रदर्शित करती हैं। यदि आप ताप को निश्चित करोगे तो दाब स्वतः ही निश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वक्र है AB, इस पर SM, इसको हम कहते हैं SM मोनोक्लिनिक का ऊर्ध्वापतन वक्र। ऊर्ध्वापतन का मतलब होता है मोनोक्लिनिक को जब गर्म करोगे तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, द्रवित अवस्था में परिवर्तित नहीं होगी। तो इसमें भी 2 प्रावस्थाएँ SM और SV, और इसमें भी ये भी एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। तीसरा वक्र है BE, इस पे द्रव गंधक का वाष्प दाब, इसको हम कहते हैं द्रव गंधक का वाष्प दाब। इसमें SL और SV 2 प्रावस्थाएँ साम्य में रहती हैं, तो ये भी एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है वक्र BC, ये एक नताश गंधक का गलन वक्र है, जहाँ पर
SM और SL, गलन वक्र मतलब एक ठोस और एक द्रव। तो SM और SL साम्य में रहते हैं। जब हम मोनोक्लिनिक गंधक को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो यह द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें भी प्रावस्थाओं की संख्या 2, घटक की संख्या 1, तो ये भी एक चर तंत्र को प्रदर्शित करती हैं। जब एक नताज गंधक पिघलता है तो आयतन में वृद्धि होती है, अतः दाब बढ़ाने पर एक नताज गंधक का गलनांक बढ़ेगा। यह वक्र BC की दाहिनी ओर के झुकाव से स्पष्ट है। यदि किसी भी वक्र का झुकाव सीधी ओर होता है तो वहाँ आयतन में वृद्धि होती है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, पानी, जिसका झुकाव उल्टी तरफ होता है, क्योंकि बर्फ जब बनती है तो वो वैसे भी उसका आयतन ज़्यादा होता है वनस्पति की द्रवित अवस्था से, इसलिए उसका झुकाव उल्टी साइड होता है। बाकी सब में जो झुकाव है वो दाहिनी ओर है। तो जब हम किसी चीज़ पे दाब लगाते हैं तो गलनांक बढ़ता है और इसमें आयतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट वक्र है CF, यह SR का गलन वक्र है और इस पर SR और SL जो है वो दोनों साम्य में रहते हैं। यदि हम रोम्बिक सल्फर को गर्म करेंगे तो ये द्रवित अवस्था में परिवर्तित होगा। यहाँ पे भी 2 प्रावस्थाएँ, घटक 1 है और F का मान 1 है। वक्र AC, ये SR तथा SM का संक्रमण वक्र है। ये तभी प्राप्त होगा जब हम धीमी गति से रोम्बिक सल्फर को गर्म करेंगे। इसमें भी 2 प्रावस्थाएँ साम्य में हैं तो F का मान 1 है। अब यदि हम वक्रों के बीच के क्षेत्र की बात करें तो एक क्षेत्र है DA AC तथा CF के बाईं ओर का क्षेत्र, जो कि SR का क्षेत्र है, जिसमें कि विषमलाश गंधक है, अतः इसमें प्रावस्था की संख्या 1 है और C का मान 1 है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान 2 है। तो ये द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें यदि हम सल्फर के कहीं पर भी अध्ययन करना है तो हमें जिस भी पॉइंट पे हम अध्ययन करेंगे उसके लिए हमें ताप को और दाब को स्वयं ही निश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद का वक्र है AB BC और BE वक्रों के नीचे का क्षेत्र। यह गंधक वाष्प SV का क्षेत्र है, जिसमें कि सिर्फ एक ही प्रावस्था है गंधक वाष्प की। यह भी द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त FC CB और BE वक्रों से आंशिक बंधा हुआ क्षेत्र यह द्रव गंधक को प्रदर्शित करता है। इसमें सिर्फ एक प्रावस्था होती है, 1 द्रव अवस्था की, और घटक का मान 1 है। इसमें भी द्विचर तंत्र को यह प्रदर्शित करता है। अब इसके त्रिक बिंदुओं की व्याख्या हम कल करेंगे। थैंक यू।